दिस इज सुमन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे डार्क लिप्स के बारे में और इसकी रेमेडी भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये डार्क लिप्स क्यों होते हैं। बिकॉज ऑफ द हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से ये हमारे जो लिप्स का कलर चेंज हो जाता है, डार्क हो जाता है। मैं बताती हूँ कि हमारे जो लिप्स की जो मेन वजह होती है डार्क होने की, वो ये कि एक तो ये काफ़ी एक्सपोज होते हैं, हम लोग बाहर भी जाते हैं तो सन एक्सपोज वगैरह की वजह से भी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि कभी कभी हम लोग रॉन्ग प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर लेते हैं जो कि हमें यूज़ नहीं करने चाहिए होते हैं, तो उसकी वजह से भी डिसकलरेशन हो जाता है लिप्स पे। थर्ड चीज़ ये कि हम लोग प्रॉपर मॉइस्चराइज़ नहीं करते हैं हमारे लिप्स को, तो उसकी वजह से भी ये होते हैं कि हमारे जो लिप्स पे डिसकलरेशन, हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह हो जाता है। एक और रीज़न है वो ये कि अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं, मतलब सफिशेंट क्वांटिटी में पानी नहीं पीते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके लिप्स डार्क हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है सही से, आपकी बॉडी हाइड्रेट नहीं रहती है, जिसका पूरा इफेक्ट स्किन के साथ साथ आपके लिप्स पे भी आता है। तो भी रीजंस हाइपर पिगमेंटेशन के स्किन पे होते हैं, वो इनडायरेक्टली लिप्स पे भी होते हैं। तो इसलिए हमें अपनी स्किन के साथ अपने लिप्स का भी उसी तरीके से ख्याल रखना चाहिए। तो आप हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा ताकि आपके लिप्स खराब ना हो। और चलिए आज की रेमेडी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस रेमेडी को अप्लाई करने से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपके होठों पे कुछ भी नहीं लगा हुआ होना चाहिए। लिपस्टिक, लिप लाइनर, लिप ग्लॉस कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे नेचुरल होठों पे ही ये रेमेडी ज्यादा असर करेगी। तो सबसे पहले मैंने इस बाउल में हनी ले लिया है। इस हनी को मैं अपनी उंगलियों से अपने होठों पे लगाऊंगी। जिस तरीके से हम वैसलीन अप्लाई करते हैं, ठीक उसी तरीके से मैं हनी को अप्लाई करूंगी अपने होठों पे। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मुझे ये हनी लगाना है। जब हम जनरली वैसलीन लगाते हैं तो हम बहुत ही लाइट लगाते हैं, लेकिन हनी यहाँ पे हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में लगाना है, एक लेयर क्रिएट करनी है। इसके बाद में मैं लूंगी ब्रश, उस ब्रश पे भी हमें हनी अप्लाई करना है अच्छी क्वांटिटी में। अब होठों को बंद कर लीजिए। इसके बाद में जो ब्रश है उसे हम अपने होठों पे रब करेंगे सर्कुलर मोशन में। हमें इसे बहुत ही लाइटली अप्लाई करना है, क्योंकि जो ब्रश होती है अगर उसे आप बहुत ही हार्श तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपके होठों पे दर्द होने लगेगा, पेन होने लगेगा थोड़ी देर बाद में, और आपके होठ बहुत ड्राई हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारे होठों के लिए। ब्रश को अप्लाई करने से पहले हम लोग हनी इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि अगर हम ब्रश को सादा ही रब करेंगे तो हमारे होठ बहुत ड्राई हो सकते हैं उसकी वजह से, और जलन हो सकती है। लेकिन फिर भी आप उसे ज़्यादा ज़ोर से रब ना करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ज़ोर से रब करेंगे तो इवन तो आपने हनी लगा रखा है लेकिन वो फिर भी आपके होठों को ड्राई बना सकती है। हनी में जिंक एंड विटामिन B2 होता है, जो कि आपके लिप्स को नॉरिश करता है और उनकी जो ड्राइनेस है उसे भी हटाता है। और इसके जो दूसरे विटामिन होते हैं वो न्यू सेल्स जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से जो डार्क सेल्स होते हैं वो हटते हैं और जो न्यू सेल्स होते हैं वो आते हैं, और उसकी वजह से आपके लिप्स का कलर अच्छा होता है। आपको ये रेमेडी 3 बार 1 वीक में अप्लाई करनी है। आप 2-3 बार की अप्लाई करने के बाद में ही इसमें काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखेंगे। 2-3 मिनट तक हमें इस ब्रश को अपने होठों पर रब करना है और उसके बाद में हम इसे वॉश कर लेंगे। अब इसके बाद में जिस तरीके से हम वैसलीन लेते हैं उसी क्वांटिटी में हमें हनी लेना है, और वैसलीन की तरह ही इसे अपने होठों पे अप्लाई करना है। हमें बस लगा के छोड़ देना है रात भर के लिए। तो ये था पूरा प्रोसीजर जो कि आपको करना होगा। दिन में आप इसे 1 बार कीजिए, आप 1 वीक के बाद में काफी अच्छा डिफरेंस देखेंगे। इनफैक्ट आप 3-4 दिन के बाद में ही इसमें डिफरेंस देखना शुरू कर देंगे। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जब आप टूथब्रश को अपने होठों पे रब करेंगे सर्कुलर में, तो आपको बहुत ही लाइट करना होगा इसे रब। इसके डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा जोर से रब करेंगे तो आपके जो होठ हैं वो ड्राई हो जाएंगे और उनमें पेन भी होने लगेगा, क्योंकि हमारे होठ काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और अगर उनमें ज़ोर से कुछ भी रगड़ा जाएगा तो हमारे लिप्स डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए इस बात का बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान रखना होगा कि आपको जो ब्रश है वो बहुत ही लाइटली यूज़ करनी होगी, ताकि जो हमारे डेड सेल्स है वो रिमूव हो जाए और जो नेचुरल कलर है होठों का वो आए। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कॉमेंट ज़रूर करना, एंड आप लोग मुझे कॉमेंट करके भी बता सकते हो कि मुझे नेक्स्ट टॉपिक क्या कवर करने चाहिए। तो मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलती हूँ। बाय।